हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स और आप लोगों का सभी का स्वागत है इस चैनल के एक नए व्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है, आज मैं हिंदी में बनाऊंगा और थोड़ा सा इंग्लिश में भी बनाऊंगा। सो आज का जो वीडियो है बेसिकली ये है कि अक्सर हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं क्लिनिक में और 3 से 5 दिन के बाद पेशेंट आता है, आपने बहुत अच्छा एक्सट्रैक्शन किया होता है और बिल्कुल लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी एक्सट्रैक्शन में, लेकिन फिर भी पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक विद पेन इन द टूथ एक्सट्रैक्टेड सॉकेट, जिसमें यू गेट कंफ्यूज, यू टेक एक्सरेज एंड यू गिव मेडिकेशन। इवन आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन द पेन डजंट सबसाइड, बेसिकली इट इज एक्यूट काइंड ऑफ पेन। वेन एवर पेशेंट च्यूज द फूड या फिर द पेशेंट टचेज द टंग इन दैट एक्सट्रैक्टेड सॉकेट एरिया, सो तब आपको तो पता चल ही गया कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्वोलर ऑस्टाइटिस और ड्राई सॉकेट टूडे। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड यूजली इट हैपन्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड मोलर्स, पर्टिकुलरली बिकॉज अराउंड द थर्ड मोलर्स द टूथ इज मेनली समटाइम्स इट इज हैविंग बल्बस रूट्स, इट इज डायलेसरेटेड एंड डेंस बोन अराउंड द थर्ड मोलर एंड वेरी इंसिडेंस इज अराउंड 38%, वाइल अदर टूथ एक्सट्रैक्शन 1-5% के बीच में ये वेरी करता है कि जितना अगर 10 एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 को तो ड्राई सॉकेट हो ही जाता है। तो बेसिकली दिस फ्रीक्वेंट एक्यूट पेन मतलब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोज बोन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सॉकेट विच इज नॉट कवर्ड बाय ब्लड क्लॉट और एनी फाइबरस हीलिंग एपिथेलियल टिश्यू। अभी इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये पेन क्यों होता है और मे बी इट इज, एक थ्योरी है इडियोपैथिक इस्कीमिया की थ्योरी है, एक थ्योरी है कि जो प्लाज्मिन होता है हमारे बॉडी में, प्लाज्मिनोजेन, जो कि प्लाज्मिन क्या करता है, हम सब जानते हैं ब्लड क्लॉट कैसे फॉर्म होता है। ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है कि वहां पे फाइब्रोनोलाइसिस होता है, फाइब्रिन जाके जमा होता है, क्लॉट जम करता है। लेकिन ड्राई सॉकेट में क्या होता है, फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी होती है, जितना भी प्लाज्मिन जो है। सो ड्राई सॉकेट बेसिकली इफ यू डू अ ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन या फिर हमने बोन कट करके टूथ को निकाला, इन केसेस ऑफ दोस केसेस फॉर्म टूथ, मल्टी रूटेड टूथ, बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं हम दांत को निकालने टाइम, तो क्या होता है, इट कट्स आउट द ब्लड सप्लाई अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, राइट, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू ऑल द थ्योरीज। वन थ्योरी है कि ड्यू टू द लॉट ऑफ फोर्स द पेरिफेरल एल्वुलर बोन गेट्स डिवाइड ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड प्लाज्मिन कम्स इनटू एक्शन। प्लाज्मिन क्या करता है, जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो हटा देता है, प्लस द फूड डेब्री विच इज प्रेजेंट, फूड डेब्री भी एंड बैक्टीरियल बायोफिल्म फॉर्म्स अराउंड द गुड ऑस्टियोब्लास्टिक बोन एंड दैट ऑस्टियोब्लास्टिक बोन कट्स ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, तो इसलिए इडियोपैथिक इस्कीमिया हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ज्यादा डीप में घुस जाऊंगा तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली ऑल केसेज विद ड्राई सॉकेट मोस्टली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मल्टी रूटेड टूथ एंड देर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू टेल द पेशेंट टू अवॉइड दिस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ टूथ, आफ्टर एक्सट्रैक्शन कंप्रेस द सॉकेट वेरी नाइसली, मतलब पूरा फोर्स लगा के कंप्रेस करो ताकि जो एल्वुलर पेरिफेरल बोन है ना, इट शुड बी ऑलवेज बी 1-2 मिलीमीटर बिलो द जिंजाइवल मार्जिन। तो कंप्रेस, अगर आपको कुछ बोन एक्सपोज दिख रही है तो क्यूरेटाज कर दो उस बोन को पहले ही, या फिर उसको अच्छे से सलाइन से इरीगेट करके या फिर टोरेक्सिडिन से इरीगेट करके अच्छे से सॉकेट को कंप्रेस कर दो, तो इंसिडेंस ऑफ ड्राई सॉकेट बहुत कम हो जाता है। प्लस प्रायर एंटीबायोटिक्स, थर्ड मोलर अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, प्रायर एंटीबायोटिक्स इज मस्ट फॉर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ ड्राई सॉकेट। ओके, अनदर थिंग विच इज व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि इफ द पेशेंट इज स्मोकिंग इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ड्राई सॉकेट, राइट। प्लस फीमेल पेशेंट्स हु आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर वो भी एक्सट्रैक्शन कराते हैं थर्ड मोलर को, तो यू हैव टू टेल देम टू स्टॉप फॉर फ्यू डेज बिकॉज दैट मे ऑल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ड्राई सॉकेट। नाउ ये जो थ्योरी है कि ये थ्योरी बाई, इट वॉज गिवन बाई बर्न जो कि एक साइंटिस्ट है और पबमेड एसोसिएटेड आर्टिकल है, जिन्होंने ये फाइब्रोनोलाइसिस वाली थ्योरी कही थी कि ब्लड क्लॉट जब भी रिमूव हो जाए एक्सट्रैक्टेड सॉकेट एरिया से एंड एपिथेलियल हीलिंग अगर नहीं हो, तो उन्होंने एक और थ्योरी दी थी कि जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द एलुलर बोन जहां पे हमने एक्सट्रैक्शन किया होता है, वो जो एक्टिविटी होती है दैट मीन्स देर इज ए नेक्रोसिस ऑफ द पेरिफेरल ऑस्टियोब्लास्ट्स, ओके, विच मे इनिशिएट फाइब्रोनोलाइटिक। अब ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता है इसलिए हमको ये चीज पता है कि ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता इसलिए ड्राई सॉकेट हो गया,
लेकिन क्यों होता है ये मैं आपको बताऊं, ये दो चीजें हैं, फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी प्लस जो हमारा नेक्रोसिस ऑफ द पेरिफेरल ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स। सो बेसिकली दिस कॉजेज इडियोपैथिक इस्कीमिया, ये तो हो गया, प्लस जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि उन फैक्टर्स को अगर आप फॉलो करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपरली लेंगे, स्मोकिंग हिस्ट्री, मेडिसिन हिस्ट्री, सो दीज ऑल आर द चांसेस विद विच यू कैन रिड्यूस द ड्राई सॉकेट इंसिडेंस। अब कैसे ठीक करें ड्राई सॉकेट, हाउ टू करेक्ट इट। अब पेशेंट को तो हो गया ड्राई सॉकेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कि यू नीड टू डू क्यूरेटाज, प्रॉपर क्यूरेटाज एंड इंड्यूस द ब्लीडिंग इन द सॉकेट। अब क्यूरेटाज एंड अलोंग विद क्यूरेटाज यू हैव टू ट्रिम द 1 मिलीमीटर बोन विद इंस्ट्रूमेंट विच इज अवेलेबल, जो बोन क्यूरेटाज करता है सबके पास होता है, कॉमनली अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अगर बोन को क्यूरेट कर देंगे और सेलाइन सेग्रेट कर देंगे तो द चांसेस ऑफ हीलिंग इंक्रीजेस वेरी फास्ट। सेकेंड थिंग इज आफ्टर द क्यूरेटाज अब यू कैन प्लेस द पेशेंट इज सीवियर, इफ पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन देन यू कैन पुट लिटिल बिट ऑफ जिंक ऑक्साइड इग्नोर पाउडर अलॉन्ग विद सम कॉटन एंड मेक अ लंप लाइक थिंग एंड पुट इट इन साइड द सॉकेट, सो दैट विल गिव ऑब्टुंडेंट इफेक्ट ऑन द सॉकेट एंड द पेशेंट वॉट एवर द पेन इज कमिंग इट विल बी ऑब्टुंडेंट। मतलब कि जैसे हम सर दर्द होता है तो बाम लगा देते हैं, तो उसी टाइप का जो जिंक ऑक्साइड इग्नोर पेस्ट है अलॉन्ग विद कॉटन लिटिल बिट, तो दैट फॉर्म्स अ लंप एंड द पेन रिड्यूसेस फॉर द टाइम बींग एंड इट गिव्स लॉट ऑफ रिलीफ टू द पेशेंट। एंड मैनी पेशेंट्स विल नैग एंड टेल यू कि सर आपने क्या निकाला, इतना दर्द हो रहा है, तो यू हैव टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड कि सी देर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच मे कॉज ब्लड ड्राई सॉकेट, लाइक द पेशेंट स्पिट्स रेगुलरली आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, दैट हैज टू बी स्टॉप, एंड समटाइम्स एक्यूमुलेशन ऑफ फूड डेब्राई दैट ऑल्सो एक्यूमुलेट्स एंड ब्लॉक्स द पेरिफेरल बोन फ्रॉम द गेटिंग न्यूट्रिशन। So these are the things you have to make them understand and reassure the patient and always be positive in your attitude towards the patient. And अगर हम पहले से precaution लेके सब कुछ करें तो ये सब chances होने के कम हैं। तो आज का video इतना ही रहेगा और please do follow me on Instagram sai_dental for more updates and I keep regularly, I am planning to put more videos on Instagram also, short videos, so that people who are not able to access YouTube and they don't have that much time, so थोड़ा थोड़ा videos मैं भी डाला था कुछ दिन पहले भी, Apex location का video डाला था, आप मेरे जाके Instagram IGTV में देख सकते हैं, तो वहां पे भी काफी सारी चीजें मैं अभी धीरे धीरे start करूंगा। तो till then have a very great day and we will have a live session very soon and I'll update you on Instagram। अगर आपने Instagram में मुझे follow नहीं किया तो जाके जल्दी करिए sai_dental में, कुछ ना कुछ pictures में उसमें डालता रहता हूँ। तो have a very great day, take care।